चक्का हो चाची? हाँ भैया। ठीक है? हाँ भैया। बैठा। वोट कहाँ जाए? जहाँ जहाँ जाए भैया, यही पेड़ के पास। यहाँ पेड़ के पास जो है मर्डर हुआ था, क्योंकि ये ऐसी जगह ये है कि अजीब सा एकदम पूरा दिखने वाली जगह। भाई जिस हाउस पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं वो पूरा जंगली इलाके में है, हालांकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, डर सा लग रहा है। तो गाइस ये देखिए हम जौनपुर में आ चुके हैं। जौनपुर का ये जो है वो एरिया है चांद मेडिकल नवाब यूसुफ रोड पे, और यहाँ से अभी आपको जो है और जगहों पे लीवाग चलते हैं, और वो जो है मशहूर हाउस जो बोला जाता है वहाँ पे लीवाग चलते हैं, और बहुत सारी जगहें आपको दिखाएंगे, और जो है लोगों से मुलाकात भी करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सब। तो देखिए एक दो लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, और ये जो है ये जो चांद मेडिकल स्टोर है उसके पास एक दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है इनकी, और बहुत सारा मटेरियल रखते हैं मोबाइल वगैरह का। तो ये भाई साहब जो है बैठे हुए हैं और इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। तो बताइए आप कि आपकी किस किस चीज़ की दुकान है, और इसमें जो है क्या क्या बेचते हैं आप, क्या क्या फैसिलिटी रखते हैं? हमारी कॉस्मेटिक की दुकान है, दुकान का नाम क्लीन करना स्टोर है जी। हमारे पास कॉस्मेटिक की पूरी रेंज अवेलेबल है जी। जो दुकान चार मीटर चौराहे पे है जी, कॉस्मेटिक की हर तरीके की रेंज अवेलेबल है पूरी जी। जो जो भी आता है आपका सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर जी। तो हर कंपनी, और ये भी तो आप ही की होगी ना जी? ये सब हमारी दुकान है जी जी। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये मुझे मतलब ये चांद मेडिकल के पास सबसे बड़ी दुकान लगी, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया। आपके यहाँ पे जो है मोबाइल वगैरह का कवर सब कुछ मिलेगा हमारी साथ, और दुकानें हैं जी, अलग अलग चीज़ों की दुकान है। ये पूरी कॉस्मेटिक्स की, चूड़ी की, घड़ी की, बेल्ट की, होलसेल रिटेल सब होता है दुकान जी। आपको जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो आइए जो है इसे तो बात करके अच्छा लगा, आइए चलते हैं और जगहों पे देखते हैं और दुकानों से मुलाकात करते हैं और वहाँ पे लेकर चलते हैं वो कुछ। और यहाँ पे जो है कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ भी हो जाती है, जिसको हैंडल करना पड़ता है, जो पुलिस वगैरह जो है हैंडल करती है, और ये आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि टू व्हीलर का निकलना मुश्किल ही हो जाता है। जैसा कि जो है आप देख सकते हैं ये पूरा ड्यूटी पे लगे हुए हैं सर लोग, इनको कितनी मेहनत लगती होगी ये सब करने में, क्योंकि ये जो है सर इनकी ड्यूटी जो है बहुत हार्ड रहती है। ये समझ लीजिए कि ड्यूटी तो यही लोग करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो पता नहीं क्या ड्यूटी करते हैं, वो तो ऑफिस में बैठे रहते हैं। सर कुछ बताएंगे ड्यूटी के बारे में? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है जी, ये तो 8 घंटा कंपल्सरी ड्यूटी देना पड़ता है, और जांच इतना ज़्यादा रह जाता है कि घंटा इतना और 2 घंटा देना पड़ जाता है जी जी। और उसके लिए यहाँ तो यातायात की समस्या देखी जाए तो बाइक वाले ऑटो वाले सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ क्लियर करते हैं जी, क्योंकि रुका जाए तो अपना जिम्मेदारी कोई स्वयं खुद नहीं निभाता है, डायरेक्ट से बाहर चला जाएगा, राम साइड चला जाएगा जी, यही समस्या है सर यहाँ। नहीं तो ये सब जो है जनता को सोचना चाहिए, इनका जो है इनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं धूप कितनी तगड़ी, अभी गर्मी आ रही है उसमें कितनी तगड़ी धूप होगी। तो जो है थोड़ा सहायता करें, और जो है यहीं पर मतलब चांद मेडिकल जहाँ स्टोर है वहीं पे जो है यहाँ पे तरह तरह का जो है इलाज होता है। ये जो मेडिकल स्टोर आप देख सकते हैं होम्योपैथिक का है, और अभी डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं, और ये वही जगह है, मतलब कि वहाँ से अभी कहीं नहीं गया हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आगे चलते हैं, पहले हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब से बात करते हैं उसके बाद जो है चलते हैं। गाइस देखिए ये डॉक्टर साहब हैं, इनके यहाँ होम्योपैथ का बहुत सारी चीज़ों का इलाज होता है, जो अभी जो है अपने आप से बताएँगे। तो डॉक्टर साहब बताइए आपके यहाँ किस किन चीज़ों का इलाज होता है? होम्योपैथिक एक डॉक्टर जो है करीब करीब सभी चीज़ों का इलाज करता है जी, और उसमें जो है बवासीर है, बाल का झरना है, साइटिका है, गठिया है जी, तमाम चीज़ों का इलाज होम्योपैथिक में सफलतापूर्वक किया जाता है। कुछ चीज़ों का इलाज जो एलोपैथिक में है ही नहीं, जैसे मस्सा है जी, ठीक है, इन चीज़ों का इलाज जो केवल मात्र होम्योपैथिक में ही है जी। बिल्कुल आपने सही कहा, मस्से का इलाज किसी पैथी में नहीं है, केवल मात्र होम्योपैथिक में है जी। और जो है होलसेल वगैरह भी देते हैं? हाँ, एजेंसी भी चलती है जी, एजेंसी है, और तमाम डॉक्टर लोग आके अपना दवाई ले जाते हैं जी जी जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। जैसे कि देखिए ये भी डॉक्टर साहब हैं, जंगीपुर कला से हैं, और जो है ये यहाँ पे जो है दवा वगैरह लेने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे आपके यहाँ किन किन चीज़ों का इलाज होता है? हमारे यहाँ भैया लगभग सभी चीज़ों का इलाज है जी जी, क्योरेबल चीज़ है जो क्योरेबल। अच्छा अच्छा जी, अब जैसे जो एकदम नॉन क्योरेबल है उसको क्या इलाज है? नहीं नहीं, उसका तो जो नॉन क्योरेबल है उसका इलाज सर है जी, उसका सर में दर्द बहुत हो रहा है जी, हम यही कर सकते हैं कि दवा दे देंगे दर्द कम हो जाएगा जी। बिल्कुल, और शुरुआती दौर में अगर आदमी आएगा तो इलाज भी हो जाएगा जी। बात सही है जी।
जी केरेबिल चीज़ों के इलाज होगा और हर एक चीज को जी कोई भी चीज ऐसा है जो लोग पंडित नहीं समझ हमारे यहाँ। तो गाइज आपने ठीक है डॉक्टर साहब, तो गाइज आपने जो है दोनों डॉक्टर साहब की बात सुनी और जो है दोनों जगह का नाम भी मैं बता दिया हूँ जहाँ से आपको सही पड़ता है, आप इन लोग दोनों डॉक्टर साहब को सेवा का मौका जरूर दें। जिस हाउस पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं वो पूरा जंगली इलाके में है, हालांकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, डर सा लग रहा है क्योंकि ये देखिए यहाँ से पूरा जंगल चालू हो गया है, वहाँ से जो उसको क्या मलनी जो पड़ाव बोला जाता है वहाँ से घूमे एक ट्रांसफार्मर के पास से, फिर उसके बाद अंदर ही अंदर जा रहे हैं, ये पूरा जंगली इलाका है। तो गाइस ये जो है हम खास हाउस पे आ चुके हैं जो खास हाउस बोला जाता है जौनपुर में, और वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये देखिए भाई साहब लोग यहाँ पे जो है पतंग वगैरह उड़ा रहे थे और यहाँ पे पीछे एक मकबरा है ना। हाँ तो पीछे मकबरा भी है, बहुत पुराना, वो पीछे थोड़ा सा दिख रहा होगा, अभी उसके पास और उसके अंदर लेकर चलते हैं। और ये पूरा जंगली इलाका टाइप लग रहा है, यहाँ पे कुछ मजारे भी हैं ना, ये पानी के अंदर हैं। जी जी तो बताइए, बीच में है ना सेंसा बाबा की मजार, ये हैदर बाबा की इस साइड पे मजार है जी, ये बुढ़ू बाबा हमारे जी, इनको हर जुमरात को पूजा जाता है सेंसा बाबा को। अच्छा अच्छा, हर जुमरात को मतलब की अगरबत्ती वगैरह सुलगाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं और थोड़ा सा करीब में लेके चल के आपको दिखाते हैं, ये पहले जूम करके दिखाता हूँ, एक मजार ये है, फिर उसके बाद जो है और एक मजार वहाँ पे है ये, और ऐसे ही एक मजार और जो है उस तरफ है। तो गाइस ये है पूरा जंगली इलाका और पूरा जंगल ही जंगल, बीच में हम चल रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे मकबरा के पास चल रहे हैं, वहाँ से थोड़ा दूरी पे ये मकबरा है और ये देखिए पूरा कटीली जंगली इलाका है। और अरे अरे अरे, 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 अरे ये देखिए, आइए उसके अंदर लिबाग चलते हैं। बताया जाता है यहाँ पे अभी जल्दी जो लॉकडाउन था ना उसमें कत्ल भी हुआ था। तो ये देखिए ये जो है गायब हो रही है धीरे धीरे। तो गाइज यही है देखो मकबरा, और ये मकबरा जो है अब तो खस्ता हालत में हो गया है, जो कि समझ से बाहर ये खेत वगैरह जंगल वगैरह के पास है। और ये आप देख सकते हैं ये भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं। ये देखिए किसका मकबरा है, कुछ पता है? ये भाई राजा यहाँ पे रहते थे पहले। हाँ हाँ, तो ये राजा का मकबरा है, लेकिन नाम जो है हमको भी नहीं पता क्योंकि इतनी खस्ता हालत हो गई कि इसकी देखभाल ना होने की वजह से ये पूरा सा जो है गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे गेहूँ वगैरह की खेती भी होती है और यहाँ पे एक बार जो है हादसा भी हुआ था, कोई हाँ एक बार यहाँ पर मर्डर भी हुआ था और इधर हुआ। अच्छा यहाँ यहाँ यही पेड़ के पास, यहाँ पेड़ के पास जो है मर्डर हुआ था, क्योंकि ये ऐसी जगहें हैं कि अजीब सा एकदम पूरा दिखने वाली जगह। ये सब चीज़ें जो है हमारे ख्यालों में भी नहीं आएंगी क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पे, अरे मंजा फिर फंस गया, ऐसी ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं कि ये देखिए मंजा पूरा है यार, ये किसी के चढ़ें कैसे, अरे चढ़ गए। हाँ आइए, कुआं पे है यहाँ पे, उसको देखते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं क्या करना है, आगे चलना है कि वीडियो को समाप्त करना है, जो होगा देखते हैं। तो आइए ये कुआं को थोड़ा सा देखते हैं, ये कुआं है, ये आप देख सकते हैं ये कुआं, ये इस तरह का गहराई तो अभी पता चल रही है, अभी मतलब पटा नहीं है। अच्छा कुआं चालू है, ये देखिए ये रहा कुआं, बता रहे हैं कि पानी वगैरह अभी इसमें है, कूद के थोड़ी दिखाएंगे आप लोग को, मारे जाएंगे उसी में, अब जितना दिखाएं उतने में सबर कर लो। तो गाइज ये देखिए भाई साहब हैं, बताइए कि वोट किसको देंगे आप? हम वोट तो बीजेपी को देंगे। अच्छा बीजेपी को वोट देंगे, एकदम ठाने हैं? अगर वो मतलब अखिलेश यादव को देना हुआ तो? नहीं। अच्छा अखिलेश यादव को नहीं देंगे, जिसका नमक खाते हैं उसका नमक गद्दारी थोड़ी नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल बात सही है। तो बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले ये बताइए। हम लोग खेती करते हैं। अच्छा खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और ये कुत्ते आपके हैं उधर? अच्छा ये देखो वो भी आ रहा है, कुत्ता भी आ रहा है वीडियो में। तो लहर क्या है बताइए, वोट किसको देंगे आप? बीजेपी के। अच्छा बीजेपी को वोट देंगे, और अगर मतलब कोई और आ जाए पैसा दे और बोले एकदम को एकदम थाने नमक हरामी नहीं। अच्छा तो रोड के बारे में कुछ आप कह रहे थे? नहीं भाई, हाँ रोड के बारे में कह रहे थे कि ये लगभग 20-25 साल से रोड बन रहा है, अभी तक रोड तैयार ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो दरख्वास्त यही है कि रोड जो है इधर का ये जो पुरानी बाजार में खास हाउस के पास जो है
रोड उसको जो है सही कराया जाए, और जो खस्ता हालतें होती है पहले उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ओड जो है गांव से ही उठ के जाता है और शहर वगैरह तो ऐसे ही चौचक रहता है, उस पर ध्यान उस पर से भी ध्यान हटा के इस तरह भी ध्यान दिया जाए। तो चचा आप जो है आपका ओड कहाँ पर रहेगा? बीजेपी के भैया रहेंगे कंधे मारे की कंधे, हमको खाना पीना जी सब कुछ हमको देते हैं जी, घर द्वार भी दिए हैं, सब कुछ हमको दिए हैं जी, हम उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे जी जी। नमक खाकर नमक हलाली थोड़ा करना। नहीं नहीं नहीं, ये तो बात आपकी सही है, वो तो आपकी खुशी की बात है। कोई जो है समाजवादी पे जाए, कोई बीजेपी पे जाए, कोई कांग्रेस पे जाए, जिसको जो अच्छा लगता है, क्योंकि ये भारत हमारा स्वतंत्र है और यहाँ पे सबको अपनी अपनी राय रखने का एक हक है। यहाँ पे किसी को किसी के काम में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो ये अम्मा आपकी अम्मी है? नहीं, हमारी भौजाई लगी। अच्छा अच्छा, कहाँ हो चाची? हाँ भैया। ठीक है? हाँ भैया। बैठा, वोट कहाँ जाए? जहाँ जहाँ जाए भैया। तब भी बताइए कहाँ किराए है, कहाँ के, कहाँ के मोहरिया मारेंगी तान के? अरे भैया, अरे कोई दिक्कत नहीं, खुल के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के देवोगे बीजेपी के देवोगे के देवोगे? बीजेपी के देना है जो हम देखिए हम एक टीचर हैं, टीचर हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसको छोड़िए, हम एक टीचर, और टीचर का जो होता है वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ बातें दूसरों तक पहुँचाने का एक जरिया होता है, हम टीचर हैं, हमारा ना कोई जो है किसी से लेना देना है कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। टीचर हमारा सिर्फ शिक्षा देना है। तो बताइए कि वोट किसको देंगी? हम तो कमल पे देंगे। अच्छा, कमल पे देंगी, एकदम कमल का फूल खिला देंगी। तो गाइस आपने जो है सुना, ये जो है पूरी बाबा दादा वही पे दे। अच्छा अच्छा, चाहे जीते हाँ चाहे हारा, लेना देना है। मजूरी करी थे खाई थे, विधवा हम तो है जनता है। हाँ भैया, नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी सबकी जो है अभिलाषा, अपनी अपनी मर्जी है, और किसी को आके किसी के काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन किस पे दे रहा है, ये आप किसको वोट देंगे, आपकी क्या राय है? थोड़ा सा तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, यानी देखने वाले जो प्यारे प्यारे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी वीडियो यहाँ तक देखते हैं। देखिए ये बच्चे लोग जो है यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, कितनी कितनी ऊपर जो है ठाने हुए हैं एकदम। तो कौन सा मंजा लेकर उड़ा रहे हैं? चाइना मंजा उड़ा रहे हैं। अच्छा, चाइना मंजा उड़ा रहे हैं, चाइना मंजा उड़ा रहे हैं हम लोग। अच्छा, चाइना मंजा से देखो पतंग उड़ा रहे हैं, तो एक दूसरे का टगुल कर लीजिए ना। हाँ, वही हो रहा है। अच्छा, पेचा लड़ागुल होगा अभी। तो देखिए ये लोग हैं, ये बच्चे जो है हमारे देश का फ्यूचर है, बाद में आगे चल के जो है। हाँ, और पढ़ाई वढ़ाई करते हो नहीं तुम? हाँ करते हैं। अच्छा, करते हो? किस क्लास में हो? बीकॉम। बीकॉम, तो इंग्लिश आती है? व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, योर नेम इज मोहम्मद उमर, सो यू आर डूइंग बीकॉम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीकॉम? बैचलर ऑफ कॉमर्स। या सो यू नो इंग्लिश, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।